नोबल कोरोना वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है। ये संक्रमण 25 देशों तक पहुंच चुका है। अब तक 60,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि चीन में 1,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस के चपेट में आने से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। वहीं इस वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर कोई इससे बचने के उपाय खोज रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिसके जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जर्मनी की रू यूनिवर्सिटी और ग्रीस वॉर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर कोरोना वायरस पर एक स्टडी की है। इन्होंने अब तक कोरोना वायरस पर हुए 2 दर्जन अध्ययनों को भी पढ़ा है, जिससे उन्हें पता चला है कि कोरोना वायरस को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। कोरोना वायरस को खत्म करने के उपाय। पहला, कोरोना वायरस से खुद सावधान रहना होगा। सार्वजनिक स्थान पर ज्यादा न जाना, मुंह पर मास्क का प्रयोग करना, बदलते मौसम में खुद का ध्यान रखना, इस तरह से कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। दूसरा, कोरोना वायरस 30 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा तापमान में जीवित रहने से असहज हो जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वायरस निष्क्रिय हो जाता है। यानी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान या उससे ज्यादा होने पर कोरोना की ताकत खत्म हो जाती है। यानी जितना तापमान बढ़ेगा, वायरस खत्म होता जाएगा। तीसरा, अल्कोहल से कोरोना वायरस को 1 मिनट में खत्म किया जा सकता है। यानी अल्कोहल से भी ये वायरस निष्क्रिय हो जाता है। चौथा, ब्लीच की मदद से कोरोना वायरस को मात्र 30 सेकंड में खत्म किया जा सकता है। कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में ब्लीच भी काफी उपयोगी है। घर के आसपास ब्लीच छिड़क सकते हैं। पांचवा, कोरोना वायरस सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं पर भी लंबे समय तक जिंदा रहता है। यानी लकड़ी, ग्लास, प्लास्टिक या धातु से बनी किसी भी वस्तु पर ये 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। मतलब ये है कि ऐसी वस्तुओं को इस्तेमाल ना करें। थोड़ी सी सावधानी और इन्हीं सब उपयोगों की मदद से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर, दिल्ली।